फ्रेंड्स आपके किसी ने मेल भेजा है और वो दो अलग अलग मेल में आपको डॉक्यूमेंट भेजा है और उसे आप एक ही पेज पर निकालना चाहते हैं, तो वो किस तरह से निकाल पाएंगे उसकी पूरी जानकारी मैं दूंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखना, जैसे कि टाइटल है, दो जीमेल डॉक्यूमेंट का फ्रंट पेज भरी प्रिंट आउट किस तरह से निकालें, तो इसकी जानकारी मैं पूरी दूंगा। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, तो आप इस वीडियो में देख पाएंगे आप अपनी दो अलग अलग जीमेल डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट है उसको आप एक ही पेज पर निकालेंगे। तो यहाँ सबसे पहले अपना जीमेल अकाउंट ओपन करना होगा आपको। जीमेल अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको अपने जितने भी जीमेल है वो सारी शो हो जाएगी और आप किसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं आपको उसको सिलेक्ट करना होगा। अगर आप उस जीमेल को सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसमें जिस पे क्लिक करेंगे वो आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी जो आपको डॉक्यूमेंट भेजा है मेल के द्वारा। तो इस तरह आप यहाँ अपनी मेल को सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ क्लिक करेंगे, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आप भी अपने डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपका वो डॉक्यूमेंट आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक करने के बाद अपने लैपटॉप में ये सेव हो चुका है। इसी तरह आप अपनी दूसरी जो मेल है आप उसको भी इसी तरह ओपन करके उसमें आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो इसी वीडियो अगर आप और देखना चाहें हमारा डाउनलोड संबंधी तो आप वहाँ पर हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के द्वारा देख सकते हैं और उसमें आपको जीमेल से किस तरह से अपने प्रिंट आउट निकाल पाएंगे उसकी जानकारी बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगी। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ दो अलग अलग मेल में आए हुए डॉक्यूमेंट को आप एक ही पेज पर किस तरह से प्रिंट आउट निकाल पाएंगे इसकी जानकारी मैं दे रहा हूँ। तो ये डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ से मैं बैक हो जाऊँगा और मैं जाऊँगा मेरे लैपटॉप के डेस्कटॉप पर, तो वहाँ पर मुझे मेरे कंप्यूटर पर क्लिक करना होगा। कंप्यूटर पर क्लिक करूंगा तो वहां पर मुझे एक नया पेज ओपन होगा और वहां पर किस तरह से मैं इसमें प्रिंट आउट के लिए आगे प्रोसेस करूंगा उसकी जानकारी मैं दूंगा। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो मैं यहां कंप्यूटर पर क्लिक करता हूं, कंप्यूटर पर क्लिक करने के बाद यहां एक नया विंडो खुला है और यहां आप देख पाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में डाउनलोड ऑप्शन शो हो रहा है। डाउनलोड पर यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको जो दो डॉक्यूमेंट अलग अलग मेल में आए हुए हैं वो दोनों ही आपको शो हो रहे हैं। इन दोनों को अगर आप सिंगल सेलेक्ट करते हैं तो आपके सिंगल ही प्रिंट आउट आएगा और अगर इन दोनों को साथ में सेलेक्ट कर लेते हैं आप एरो से तो आपके दोनों का प्रिंट आउट एक ही पेज पर निकल पाएगा। तो वो किस तरह से निकलेगा वो आप बराबर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो को। तो इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करूँगा मैं, तो यहाँ से मैं इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करता हूँ, दोनों को ये सेलेक्ट कर लिया है मैंने और मैं यहाँ पर अब राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे एक नया ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ प्रिंट ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ प्रिंट पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर एक नया विंडो खुला है, इसमें मुझे प्रिंटर की सेटिंग शो हो रही है, प्रिंटर कौन सा जुड़ा हुआ है। यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट करना होगा जो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, वो आपको सेलेक्ट करना होगा तभी आपका प्रिंट आउट आएगा। ये सेलेक्ट कर लेंगे आप, उसके बाद आपको पेपर साइज सेलेक्ट करनी होगी, वो A4 ही सेलेक्ट कर रखी है मैंने और उसके बाद 600x600 ये बराबर है। उसके बाद यहाँ ये सिंगल पेज निकालना चाहते हैं यहाँ क्लिक कर सकते हैं, आपको दोनों एक ही पेज पर निकालना चाहते हैं या 4x6 साइज में आपको एक ही पेज पर प्रिंट आउट आ जाएगा। अगर आपको लगता है साइज छोटी है तो आप यहाँ 5x7 पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इससे आपकी साइज थोड़ी पेपर की बड़ी हो जाएगी और आपको दिखने में अच्छा लगेगा। और यहाँ अगर क्लिक करते हैं आप तो आपके जो पेपर कटा हुआ था वो भी अब कटेगा नहीं और पूरा शो होगा। तो इस तरह आप 4x6 में लेना चाहें तो 4x6 में ले सकते हैं और 5x7 में लेना चाहें तो 5x7 भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ प्रिंट पर क्लिक कर देंगे तो आपके सारी सेटिंग सही हुई तो आपका प्रिंट आउट एक्यूरेट आ जाएगा और आप अपने जो मेल आई है अलग अलग उसका प्रिंट आउट एक ही पेज पर आप बहुत अच्छी तरीके से निकाल पाएंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।